हेलो एवरीवन, मेरे ग्रीन लाइव चैनल में आपका मोस्ट वेलकम। और जो ये आज की वीडियो है, ये जो टोपारी होती है अलग अलग बनती है, जेट प्लांट की और मोस रोज की और भी अलग अलग बनती है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ कुछ हटके प्लांट की, तो वो बनाऊँगी वो शंख, ये जो शंख पुष्पी होती है अपराजिता, तो मैं इसकी बनाने वाली हूँ। इसकी बहुत खूबसूरत बनती है, तो मैं आज वही दिखाने वाली हूँ। आइए लास्ट तक बने रहे मेरे। और वो भी जेट प्लांट या मोसरूज या उसकी नहीं बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी आज शंख पुष्पी की, क्योंकि ये भी बेल नुमा होता है और ये बड़ा खूबसूरत सा लगता है टोपिया, ये जो बनेगी इसकी टोपियारी। तो ये उसके बाद मैं दिखाने वाली हूँ, देखो किस किस हमें क्या चाहिए। एक तो हमें चाहिए वायर इस तरह की, और इस तरह की देखिए ऐसे मिलती है ये बाज़ार में, तो हम इस तरह की हम ले सकते हैं वायर। और ये बड़ी सॉफ्ट होती है, ये मोड़ने में ईजी रहती है बड़ा। तो ये देखिए मैं मोड़ के दिखाती हूँ, आराम से ऐसे फोल्ड हो जाती है, तो ये भी ले सकते हैं। और एक एल्युमिनियम का तार भी आता है, उसको भी आप ले सकते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम का तार ये है कि जंक नहीं खाता है, बोला उन्होंने। इसको भी है कि ये कपड़े बांधने के काम आता है और ये भी जंक नहीं खाता है। तो मैं आज इसी ये वाली वायर लूँगी, और हमें कुछ ये डेकोरेट करने के लिए थोड़े से स्टोन, थोड़े से बड़े वाले, थोड़े छोटे वाले भी, सब तरह के जो भी हैं हमारे पास, और कुछ ये बारीक वाला स्टोन, ये भी ज़रूरत पड़ेगी मुझे। और देखिए वायर मैंने इससे ले लिए, और मैंने ये डबल करके लिए, तो हमें जितनी ज़रूरत है अपने गमले के हिसाब से, जितना बड़ा हम इसको रिंग रखेंगे टॉप आयरी के लिए, तो हमें उतना ही रखना है अपने गमले के हिसाब से प्लांट के से। तो मैंने ये डबल लिया जिससे ये मजबूत रहे, तो मैंने इसको फोल्ड करके इसको डबल कर लिया है मोड़ के, और कुछ इस तरह शेप इसकी बना ली है। ये देखिए कुछ ऐसे राउंड में और थोड़ा सा इस तरह से बना ली है, और मैं इसमें अब लगाने वाली हूँ गमले में। एक इस साइड से लगाऊंगी, यहाँ से लगाने वाली हूँ, और एक इधर से लगाऊंगी। तो अभी लगा के मैं इसको स्टैंड को आपको दिखाई, मैंने रिंग इसका बना दिया है, और यहाँ एक तरफ यहाँ लगा दिया है, और बड़े आराम से मिट्टी में चला गया ये, और ये मजबूत, ये डबल लिया है मैंने, तो ये देखिए ये मजबूत भी, ऐसे भी नहीं ये जाएगा भी नहीं। और अपने प्लांट के हिसाब से लेना है, छोटा बड़ा जितना भी लेना। तो ये देखिए ये इस तरह की इसकी शेप आ गई है, और मैं इसको शंख पुष्पी की जो बेल है मेरी, मैं इसको लपेट दूंगी, क्योंकि मैं ये जो टोपायरी बना रही हूँ, ये जो खूबसूरत का ब्लू फ्लोवर का प्लांट होता है जो हमारे शिव को प्यारा होता है, तो मैं उसी की आज टोपायरी बना रही हूँ, और उनको भी बैठाने वाली हूँ आज इसमें, इसी गमले में। तो ये बड़ा ही खूबसूरत होने वाला है। और देखिए मैंने ये वायर लगा दिया, ये देखिए इधर से, एक इधर से और एक इधर से, तो ये लग के बड़ी खूबसूरत हो गई है। देखो अब मैं इस पर इसको लपेटने वाली हूँ, थोड़ा धीरे धीरे लगाऊंगी ताकि इसकी ये ख़राब ना हो पत्तियाँ वगैरह। तो मैं अभी लगाने के बाद आपको फिर दिखा, मैंने इसको शंख पुष्पी को इस तरह से कुछ लपेट दिया है, और लपेटते लपेटते मैं यहाँ आ गई हूँ, और इसको फिर धीरे से अभी मैंने पूरा करना है इसको, ये देखो। और फिर मैं क्या करूँगी, इसको जितनी ये बची हुई है मेरे पास ये, इसको मैं फिर ऊपर डबल ऐसे ले आऊँगी इसको। और देखिए ये मैंने कुछ इस तरह लपेट दिया है, और मैं अब इसको देखती हूँ जहाँ ये एक्स्ट्रा है यहाँ पे, इसको मैं कट कर दूँगी, और यहाँ से भी मैं कट कर दूँगी। ये तो मतलब बहुत तेज़ी से फैलती है, तो ये फिर निकल के आ जाएगी दोबारा। ये देखिए, और मैं यहाँ से भी कर दूँगी इसको, इस तरह मैंने निकाल दिया है, और यहाँ से भी कर दूँगी, तो ये बड़ी तेज़ी से फैलती है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत बनके ये हमारी टोपारी तैयार हो गई है, और ये मैंने वाइट गमला दिया है। और अब मैं रखूँगी यहाँ पर इनको, शिव भगवान को, ये आदिनाथ, ये जो आदि योगी होते हैं इन्हीं को रखूँगी। और पहले रखूँगी एक पत्थर यहाँ पे, कुछ इस तरह मैंने पत्थर लगा करने के लिए, थोड़ा सा हम पत्थर भी लगा देते हैं, कुछ कलर वाले, कुछ वाइट वाले, कुछ ब्लैक वाले, ये देखिए कुछ इससे सुंदर लगेगा और भी। और मैंने ये रेड प्लेट में लगा दिया, लेकिन मैं इसमें एक बड़ा सा पत्थर रखूँगी तब इनको रखूँगी बाद में, तभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं था, तो इस वजह से मैंने प्लेट में रखे हुए हैं, और पत्थर भी है इनके नीचे। तो ये देखिए हम इस चारों तरफ से प्लेट के कलर वाले पत्थर रख देंगे, तो ये भी बड़े सुंदर लगेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह, और एक यहाँ पे रख देते हैं,
ये देखिए और थोड़ा सा लुक चेंज हुआ, और मैं अभी पूरा दिखाऊंगी आपको। और भी कुछ देखिए, मैंने एक पत्थर भी रख दिया और थोड़े बहुत यहाँ पे इसके चारों तरफ से ये छोटे छोटे पत्थर भी लगा दिए हैं, तो ये बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। ये पत्थर भी देखो तो, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये शिवलिंग भी रखूँगी इनका, भगवान जी का। ये देखो ऐसे थोड़ा धीरे से आराम से रखूँगी, और मैं इनका शंख भी रखूँगी। ये देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ कोने पे रख दूँगी मैं। ये देखिए ये भी रख दिया है मैंने, इस पे यहाँ पे रखूँगी, थोड़ा सा दिखने में भी अच्छा लगेगा। और ये देखो मैंने कुछ थोड़ा सा ये क्रिएट किया है, और इस यहाँ पे और थोड़े बहुत पत्थर रखूँगी मैं अभी। और देखिए मैं इसमें थोड़ा सा वाइट पत्थर डालूँगी, ये बारीक वाला जो होता है, और तब इन पे भगवान जी को बिठाऊँगी। ये देखिए अब मैं इनको बिठा दूँगी, ये देखिए अब कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये थोड़ा सा मैंने क्रिएटिव कर दिया है, देखो यहाँ पे बड़ा सा पत्थर लगा दिया है, और यहाँ पे शिवलिंग लगा दिए हैं, और यहाँ कलर वाले पत्थर भी लगा दिए हैं, और यहाँ छोटे बड़े सभी तरह के वाइट सभी पत्थरों को मैंने लगा दिया। जितने भी मेरे पास छोटे बड़े स्टोन थे, ये वाइट के ब्लैक के कलर वाले भी मैंने इनको देखो इस तरह कुछ लगा दिया। और यहाँ पे शंख भी रख दिए, भगवान जी का शंख। और ये देखो कुछ ऐसा क्रिएट लग रहा है, और पीछे से मैंने ये प्लांट रखा है इनके, तो ये भी बड़ा खूबसूरत लग रहा है, ये रेड कलर का ग्रीन पत्तियों का। और फिर इनको बिठाया तो बहुत ही खूबसूरत, इधर पीले रंग के फूल भी है, और इधर छोटे छोटे ये फूल वाला भी रख दिया मैंने। और ये देखिए मेरी टोपायरी पूरी खूबसूरत सी बन गई है, तैयार हो गई है। ये देखिए कुछ इस तरह अब और भी खूबसूरत लग रही है। और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, और लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।